गाइस अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं बट फाइबर बॉडी के साथ में नहीं मेटल बॉडी के साथ में तो आज का वीडियो आपके लिए क्योंकि हम बात करेंगे बैटरी कंपनी की तरफ से आने वाले स्टोरी इलेक्ट्रिक स्कूटर की अब स्टोरी की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कंप्लीट इसका कलर कौन से अवेलेबल वारंटी क्या रहेगी टॉप स्पीड कितनी है और भाई इसकी रेंज कितनी मिल जाएगी आरसीडीएल की रिक्वायरमेंट है या बिना आरसीडीएल के भी आप इसको चला सकते हैं ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर ऑप्शन की तो इसके अंदर आपको सात आठ कलर मिलते हैं और सारे ही काफी यूनिक है जिसके अंदर रहेगा पर्ल व्हाइट येलो कैंडी रेड आई ब्लू इलेक्ट्रिक ब्लू स्टार नाइट ब्लू इसी के साथ में स्ट्रोमिक ग्रे और मिड नाइट ब्लैक ये सारे कलर मिलने वाले हैं इस स्कूटर के अंदर वीडियो के अंदर आपको दो कलर मिल जाएंगे जिसके अंदर रहेगा स्ट्रोमिक ग्रे एंड पर्ल व्हाइट चारों तरफ से वॉक क्राउंड करेंगे इस स्कूटर का और देखेंगे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं बट शुरुआत करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं तो भाई पर आपको कुछ प्रोज भी मिलेंगे कुछ कॉन्स भी रहेंगे अगर इसके कॉन्स की बात करें तो आज के एलईडी के जमाने में यहाँ पर अभी भी हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ तो भाई कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं यहाँ पर एक पायलट लैम्प भी दिया गया है वो भी आपको हेलोजन बल्ब के अंदर ही मिलेगा आरवीएम्स को देख लें तो कोई भी पेंट नहीं मिलेगा नॉर्मल प्लास्टिक के अंदर है बट इनकी बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है मैक्सिमम पैनल्स मेटल के अंदर हैं बट हैंडल बार पर जो ये देख रहे हैं ये फाइबर के अंदर मिलेगा नीचे की तरफ देख लेते हैं तो भाई नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाएगा और इसी के पास में बैटरी की आपको ब्रांडिंग दी गई है टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में आते हैं बट इसकी जो डिजाइन है वो ओवरऑल स्कूटर के लुक के साथ में मैच करती है बैटरी की ब्रांडिंग भाई आपको यहाँ पर साइड में भी देखने को मिल जाएगी जो इसकी लुक को थोड़ा और एनहेंस कर देती है फ्रंट पैनल मेटल का है और यहाँ पर फ्रंट फेंडर भी आपको मेटल के अंदर ही मिलेगा सस्पेंशन को देख लें तो फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक एक शोक एबजर्बर है और एक छोटा रिफ्लेक्टर मिल जाएगा राउंड शेप के अंदर टायर साइज को देखें तो भाई यहाँ पर 90 बाई 100 का टायर मिल जाएगा 10 इंच की स्टील व्हील रिम के साथ में और ये टायर आपको ट्यूबलेस मिलने वाला है गाइस ये वीडियो शूट हो रहा है गणपति ऑटो जयपुर पर तो अगर आप जयपुर से हैं इनको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी यहां पर जो बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर चार्जर रखा है जिसको आगे हम कवर करेंगे बट उससे पहले बात कर लेते हैं फुटबोर्ड की जो फ्लैट है यहाँ पर आप आराम से पैर रख सकते हैं कुछ छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट कुछ ऐसी डिजाइन का मिल जाएगा ऐसा ही कुछ हमें हीरो के लेटेस्ट ऑप्टिमा के अंदर भी देखने को मिला था इसके अंदर एक कैप भी मिल जाएगी ताकि पानी मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना जाए अब बात कर लेते हैं इसके चार्जर की तो भाई मेटल बॉडी के साथ में आता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कितना आउटपुट होने वाला है इस चार्जर के ऊपर आपको एक साल की वारंटी मिलेगी वहीं पर आपको मोटर बैटरी कंट्रोलर और कन्वर्टर इन चारों पार्ट्स के ऊपर पूरे तीन साल की वारंटी मिलने वाली है यहाँ पर आप, आप आउटपुट देखेंगे तो दस एम का है इसका मतलब आपको लगभग पाँच घंटे देने पड़ेंगे बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए इसके एक तरफ इंडिकेशन लाइट्स दी गई हैं ताकि आपको पता चल सके कि बैटरी कितना परसेंट बढ़ चुकी है और इसी के पास में आपको एक फैन मिल जाएगा ताकि चार्जिंग

की सीट यहां पर इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको काफी सॉफ्ट मिल जाएंगे और वो लेंथ की बात करें तो ज्यादा लंबी तो नहीं है बट इतना तो रहेगा कि दो लोग आराम से बैठ सकते हैं पास में एक गिर दी गई है और ये भी भाई आपको मेटल के अंदर ही मिलेगी और इसकी डिजाइन कुछ ऐसी है कि पीछे अगर लेडीज बैठती हैं तो सपोर्ट के लिए इसको पकड़ के बैठ सकते हैं गाइस अब आ जाते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पर सस्पेंशन में ड्यूल कुल शोक एब्जर्बर दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक है बट कॉम्बी ब्रेक के साथ में आते हैं तो वो अच्छी बात है यहाँ पर स्विंगाम का कवर मिल जाएगा जो नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक के अंदर है इसके ऊपर आपको कोई भी पेंट नहीं मिलेगा गाइस अब आ जाते हैं रियर साइड में तो हेलोजन के साथ में इंडिकेटर मिल जाएंगे टेल लैंप एलईडी के अंदर दी गई है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा रिफ्लेक्टर दिया गया है और जो नंबर प्लेट लाइट है वो आपको एलईडी के अंदर मिल जाएगी पास में एक मेटल का ब्रेकेट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप नंबर प्लेट फिट कर पाएंगे दोस्तों फ्रंट राइट साइड और रियर साइड कवर हो चुके हैं फाइनली आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं वहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर बट फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना मैं उसके ऊपर रिवर्ट कर दूंगा रियर टायर को देख लें तो भाई इसकी साइज होने वाली है नाइनटी वाइन हंड्रेड की टेन इंच की स्टील व्हील रिम के साथ में आता है इसके अंदर ही आपको पीछे की तरफ ही बी मोटर मिल जाएगी जो रियर व्हील हब के अंदर ही फिट है मोटर आती है भाई लुक्काज टीवीएस ब्रांड की तरफ से जो काफी फेमस ब्रांड है और यहाँ पर इसका पीक पावर रहने वाला दो किलो वाट का और इसके अंदर आपको आई पी सिक्सटी सेवन रेटिंग मिल जाती है यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट दिया गया है और भाई इसी के पास में आपको साड़ी गाड़ी मिल जाएगा स्कूटर के अंदर जनरली ये चीज़ देखने को नहीं मिलती बट यहाँ पर पूरा सेफ्टी का ध्यान में रखा गया है साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिल जाएंगे आपको यहाँ पर अब दोनों मिल जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कंपनीज साइड स्टैंड लगाने का अलग सा पैसा लेती हैं और कुछ कंपनीज़ मेन स्टैंड लगाने का अलग सा पैसे लेती हैं फाइनली आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ तो भाई यहाँ पर आपको 5 इंच की कलर टी डिस्प्ले मिलने वाली है जो स्मार्ट है यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको एक डेडिकेटेड स्विच मिल जाएगा इसको पार्क करने के लिए जैसे आप पार्क का बटन दबाते हैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कलर हो जाता है और जैसे आप इसको ऑन करते हैं ये कलर डिस्प्ले के अंदर चेंज हो जाती है तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे अब बात कर लेते हैं इसके मोड्स की तो यहाँ पर इस स्कूटर के अंदर आपको तीन मोड्स मिलते हैं जिसके अंदर सबसे पहला रहेगा इको और जैसे ही आप अदर मोड के अंदर शिफ्ट करेंगे तो यहां पर लाइट्स भी चेंज होगी उसको भी आप चेक करिएगा सबसे पहला है इको मोड तो यहां पर बैटरी 100% परसेंट है और रेंज शो हो रहा है वन किलोमीटर की यहां पर टॉप स्पीड होने वाली है फोर्टी किलोमीटर पर आर सेकेंड मोड के अंदर आ जाते हैं जो कंफर्ट मोड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो है 100 किलोमीटर की और यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड रहेगी फाइनली स्पोर्ट मोड के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर रेंज शो हो रही है 80 किलोमीटर की और इस मोड के अंदर आप टॉप स्पीड ले सकते हैं सेवेंटी किलोमीटर पर आर के अंदर साथ ही ब्लूटूथ या फिर बैटरी की जो एप्लीकेशन है उससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में आप नेविगेशन देख सकते हैं कॉल अलर्ट्स हो गया या फिर राइड एनालिसिस हो गया वो सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे गाइस से बात कर लेते हैं स्विचेस की तो राइट साइड में हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए और इसके नीचे की तरफ पार्क करने के लिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिवर्स के लिए और मोड़ चेंज करने के लिए बटन मिल जाएगा वहाँ पर लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम के लिए इंडिकेटर और हॉर्न के लिए स्विच दिए गए हैं यहाँ पर इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी दी गई है मैक्सिमम पैनल्स मेटल के अंदर दिए गए हैं और अगर कोई प्लास्टिक में भी हो तो वहाँ पर भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर एक यूज़ भी पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं इसके अंदर आपको एक ब्लू कलर की लाइट मिल जाएगी साथ ही रबर की कैप भी दी गई है ताकि पानी या मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना जाए स्पेस की बात करें तो भाई एक लीटर की बोतल रखने तक की तो स्पेस आपको यहीं पे मिल जाएगी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का, का काम करते हैं या फिर मार्केट में मैक्सिमम टाइम रहते हैं तो बार बार बोतल निकालने की जरूरत नहीं है बैग में से यहाँ पर एक हुक भी मिल जाएगा और अगर इसकी कीज की बात करें तो भाई कुछ ऐसी डिजाइन की आपको मिलने वाली है अब देख लेते हैं इस स्कूटर के अंदर अंडर सीट स्पेस कितना है और बैटरी कितनी बड़ी दी गई है तो इसके लिए अलग से लोक दिया गया है जिसको आप मेन की से ही ओपन कर सकते हैं साइड में आप कुछ इस तरीके से सीट को ओपन करेंगे तो उसके बाद में देख पाएंगे जो इसकी बैटरी है वो आपको सिंगल ही मिलेगी पास में आपको एक एमसीबी स्विच मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्कूटर को नहीं चला रहे हैं तो इसको ऑफ कर दें ताकि खड़े खड़े स्कूटर में बैटरी डिस्चार्ज ना हो अब देख लेते हैं भाई इसकी बैटरी को तो यहाँ पर भी हमें सेम वैसा ही कनेक्टर मिलेगा जो लॉकिंग सिस्टम के साथ में आता है इसको आप स्कूटर के साथ में भी चार्ज कर सकते हैं और पोर्टेबल भी निकाल कर भी चार्ज कर सकते हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन है ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लोडेड हैंडल मिल जाएगा जब कभी भी आपको बाहर निकाल के बैटरी को चार्ज करना हो तो इसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं और स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से अपने आप जगह पर पहुंच जाता है अगर बैटरी की बात कर लें तो भाई लिथेमैन बैटरी होने वाली है जो तीन किलो के साथ में आती है आई मिलती है यहाँ पर और सिक्सटी वोल्ट और फिफ्टी टू में रहेगी ये इसको चलाने के लिए आर सी और डीएल दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है और यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो भाई अच्छी खासी मिल जाएगी 255 किलोग्राम और कब वेट रहेगा इसका 105 किलोग्राम के अंदर वैसे तो मेटल बॉडी के साथ में आने वाला स्कूटर चेतक भी है और बिगोस की तरफ से आने वाला डी फिफ्टीन प्रो भी है बट उनकी प्राइस कहीं ना कहीं ज्यादा है इस स्कूटर से इसकी एक शोरूम प्राइस रहेगी एक लाख सत्रह हजार रूपये जो ऑन रोड होने के बाद में हो जाएगी एक लाख पच्चीस हजार रुपए तो गाइज मैक्सिमम पॉइंट कवर करें हमने इस वीडियो के अंदर तो अगर आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग